शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम बर्बाद हो गए, सत्यानाश हो गया, हमारे सपनों पर पानी फिर गया। और जिस तरह से तुम उस लड़की का बखान कर रही हो, उससे तो मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्द बोरिया मिश्रा बांध कर हरिद्वार चले जाना पड़ेगा। कुछ करो बहना, कुछ करो। अरे बहना कुछ बोले नहीं चली गई। महाभारत के 33वें एपिसोड में शकुनी भी इसी तरह मुस्कुरा कर चला गया था, लेकिन 34वें एपिसोड में द्रौपदी का चीधारण हो गया था। घबराओ मत मैनावती, बहना इस तरह से जरूर कोई अच्छा गुल खिलाएगी। वाकई चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। मुझे अपने राजू की पसंद पर नाज है। अगर मैं चाहती थी तो इतनी सुंदर और सुशील बहू अपने बेटे के लिए नहीं ला सकती थी। बैठो बहू। ये लो बहू, ये कंगन मैंने राजू की बहू के लिए बनवाए थे। लाओ, तुम्हें अपने हाथों से पहना दूं। क्या बात है माजी, आपकी आंखों में आंसू। कभी कभी भगवान खुशियों के साथ हम भी दे देता है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मैं तुझे कैसे समझाऊं, क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूँ उसका ताल्लुक राजू की जिंदगी और मौत से है। ये आप क्या कह रही हैं? एक बात जो मैंने अपने सीने में दफन करके रखी थी, आज मजबूरन तुमसे कहनी पड़ रही है। ये देखो, ये राजू की कुंडली है। जानती हो इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसमें साफ लिखा है कि अगर 25 साल की उम्र के पहले राजू शादी कर ले और उसकी पत्नी गर्भवती हो जाए तो होने वाली संतान अपने पिता की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए तो मैंने आज तक राजू की शादी नहीं कराई, क्योंकि उसके 25 साल पूरे होने में अभी कुछ वक्त बाकी है। माँ जी, आप भी ऐसी बात। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगी कि ऐसी दकियानुसी बातों में तुम विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं क्या करूं। मैं एक माँ हूं ना, और माँ होने के नाते मैं अपने राजू की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। भगवान के लिए बहू, ऐसा अनर्थ मत होने देना, मत होने देना। बस बहू, कुछ ही दिनों की तो बात है, मेरा कहा मान लो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। देखो बहू, मेरे राजू को इस बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए। प्यार ने मेरी जिंदगी को एक नई रोशनी दी है। हम अपनी जिंदगी की पहली रात इन रोशन सितारों में शुरू करेंगे, जिससे तुम्हारे दामन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अंधेरे के लिए मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, सुनो, कोई जगह नहीं। आज तुम्हारा राजू ना नहीं सुनेगा, मेरे पास आ जाओ। मैं ना कह रही हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। ये तुम क्या कह रही हो सुरु? कोई भूल हो गई मुझसे, कोई गलती हो गई मुझसे, बताओ ना सुरु। राजू, मुझे अकेला छोड़ दो बस। तुम्हें अकेला छोड़ दो, वो भी आज की रात? आखिर क्यों सुरु? तुम्हारे इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं चली जाऊंगी। नहीं सुरु, तुम्हें इस कमरे से जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाता हूं। मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या है सुरु, किस बात की सजा दे रही हो मुझे,
लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अपने पति होने का हक जताने मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा सुरु। तुम्हारे आगे तो तोता राम भी सर झुकाता है। क्या राजनीति खेली है, तुम किसी नेता से कम नहीं बहना, तुम्हें तो दिल्ली में होना चाहिए, दिल्ली में। राजू की मौत का झूठा डर निकाल कर तुमने उसे ऐसा फांसा है कि तुम्हारे कहने में आकर वो खुद ही अपनी सुहाग की सेज में आग लगा बैठी। अब इस आग में घी डालती जाओ बहना और ऐसा चक्कर चलाओ कि चार दिन के अंदर ये लड़की घर छोड़कर भाग जाए। अपना काम तो हो गया, अब चलो चलकर चैन की नींद सोते हैं। क्या सास हो तुम, अभी तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे घर में जितना भी घी है आग में डालते जाना। मैंने भी तुम लोगों का तेल नहीं निकाल दिया तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। क्या बात है, आज बहुत प्यार बरस रहा है। आज मौसम ही कुछ ऐसा है। क्या कर रहे हो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दिमाग तो ठीक है मेरा मैनू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे आंगन में भी कोई फूल खिले। इतने सारे फूल खिले हैं यहाँ, और कितने चाहिए तुम्हें? मैं इन फूलों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो? मैं तो उन फूलों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे आंगन में खिलेंगे। जवानी में तो तुमसे कोई फूल खिला नहीं, अब इस उम्र में क्या खिलाओगे? जब देखो हंसती रहती है, मटकती रहती है। मटक नहीं रही हूँ, बाजार गई थी सब्जी लाने। जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। जाती हूँ। मैनावती दे दे मुझे, दे दे। ये लो, तुमने सब्जी मंगवाई थी ना, ये लौकी, ये गोभी, ये। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सुन रहा हूँ, बोको क्या पकना है? अरे मेरे पांडू जी, आज बहुत उखड़े हुए लग रहे हो। उखड़ू नहीं तो क्या करूँ? तुझे मालूम है चंपा, कल तो राजू भैया की स्वागत थी, फिर भी रात भर घर के पिछवाड़ी में सो रहे थे। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ सच कह रहा हूँ, अपने राजू भाई की तकदीर ही खराब है। माँ तो डायन मिली थी, बीवी मिली वो भी वैसी। लो आ गई महारानी। पांडू क्या बना रहे हो? दिखाई नहीं देता, लौकी की सब्जी बना रहा हूँ। लाओ मैं बनाती हूँ। लो बना लो। मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? जिस औरत के दिल में अपने पति के लिए इज्जत नहीं, उसके लिए हमारे दिल में भी कोई इज्जत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? क्या किया? कल राजू भाई की सुहागरात थी, फिर भी वो घर के पिछवाड़ी में अकेले सो रहे थे, क्यों? जवाब दो। अरे आप उसे अपने लायक नहीं समझती थी तो ये शादी क्यों की? कौन कहता है कि मैं उन्हें अपने लायक नहीं समझती? सच तो ये है कि मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। तो फिर जो सुना था वो सब झूठ था। तुम नहीं जानते, इस घर के बुजुर्ग अपने स्वार्थ के लिए मुझे और राजू को अलग कर देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं हमारी शादी। मगर मैं उनकी आरजू कभी पूरी नहीं होने दूंगी। जरा सोचो, जिसने मेरे मान सम्मान की रक्षा की, पिताजी को समाज के सामने जलील होने से बचाया, क्या उसका सम्मान मैं नहीं करूंगी? तुम नहीं जानते पांडू, मेरे दिल में उनके लिए कितनी जगह है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको गलत समझा। अपने जूते निकाल कर मेरे सर पे मार दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ओ पांडू, आना लेकर आ, भूख के मारे जान निकली जा रही है। मर जाओ, आता हूँ। पेट है कि पेटा रहा, इतना खाते फिर भी पेट नहीं भरता। चंपा एक काम कर, पहले बाबूजी को खाना खिलाओ, बाद में इन भुक्कड़ों को दाना डालेंगे। ठीक है। ये क्या है, बाबूजी के लिए ये खाना जाता है? क्या करूं भाभी, अपनी भी जान जलती है, लेकिन उस चांडाल चौकड़िया में। परवाह तुम मत करो, आज से बाबूजी के लिए खाना मैं लेकर जाऊंगी। बाबूजी,
हो तुम? हाँ बाबूजी, घर के सब लोग खाना खाएं और घर का मालिक ही भूखा रहे, अच्छा नहीं लगता। चलिए। आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, बैठिए। बाबूजी, आप रो रहे हैं। 20 साल से मैं इसी प्यार और सहानुभूति के लिए तरस गया था, इसी प्यार के दीवाने का भूखा था मैं। एक बात पूछूं बाबूजी, इस घर में इतने सालों से अन्याय क्यों हो रहा है? कोई इसे रोकता क्यों नहीं? अकेले मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके जवाब में मेरी पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर मुझे पागल करार दिलवा दिया, मुझे इस तरह पे मर जाने के लिए छोड़ दिया। मैं राजू के लिए एक माँ लाना चाहता था, लेकिन आ गई एक निंदाकिन, उसने मेरे राजू को पढ़ने लिखने नहीं दिया, एक गवार बनाए रखा ताकि वो उसका फायदा उठा सके। मेरा राजू उस नागिन को देवी समझता है, उसकी पूजा करता है। इससे पहले कि वो नागिन उसे डस ले, मेरे राजू को बचा लो बहू, मेरे राजू को बचा लो।